ड्रीम गर्ल 2 से निकाले जाने के बाद नुसरत भरूचा ने फाइनली किया है इस पर रिएक्ट। साथ ही साथ आखिरकार अपने रिप्लेसमेंट को लेकर नुसरत भरूचा ने दिया है ट्रोलर्स को मुंह तोड़ जवाब। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। बॉलीवुड स्टार नुसरत भरूचा ने आखिरकार ड्रीम गर्ल 2 से रिप्लेस होने पर अपना दर्द बयां किया है। ड्रीम गर्ल की बम्पर सक्सेस के बाद मेकर्स ने इस फिल्म के सीक्वल को ऐलान कर दिया। सीक्वल में भी फिल्म स्टार आयुष्मान खुराना ही लीड रोल प्ले करते हुए नजर आने वाले हैं। हालांकि पार्ट 2 से मेकर्स ने एक्ट्रेस नुसरत भरूचा को बाहर कर दिया है और उनकी जगह अदाकारा अनन्या पांडे को लीड एक्ट्रेस के तौर पर कास्ट कर लिया। अब इस मुद्दे पर नुसरत भरूचा ने खुलकर अपनी बात रखी है। हैरानी की बात तो ये है कि इस फिल्म के सीक्वल के वक्त निर्माताओं ने पहली हिट फिल्म की एक्ट्रेस नुसरत भरूचा को अप्रोच तक नहीं किया। ऐसे में रीसेंट इंटरव्यू के माने और रिपोर्ट्स की माने तो एक्ट्रेस ने इस बारे में बात करते हुए कहा, मैं ड्रीम गर्ल 1 का हिस्सा थी और मुझे पूरी टीम पसंद थी। इनफैक्ट मैं उनके साथ काम करना वाकई में मिस करती हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे ड्रीम गर्ल 2 में क्यों नहीं कास्ट किया, इसके लिए मुझे लगता है कि वो ही जवाब दे सकते हैं। मुझे नहीं पता, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है और इसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे कास्ट क्यों नहीं किया ये सोचकर बुरा लगता है। मैं भी एक इंसान हूँ तो जाहिर है कि बुरा तो बिल्कुल लगेगा, साथ ही ये अनफेयर भी लगता है, लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ कि ये उनका फैसला है और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दिलचस्प बात तो ये है कि ड्रीम गर्ल 2 के साथ ही अदाकारा नुसरत भरूचा की अपकमिंग मूवी अकेली भी सिनेमा घर पहुंचने वाली है और पहुंच रही है। दोनों ही फिल्में 25 अगस्त के दिन सिल्वर स्क्रीन पर पहुंचेगी। अदाकारा ने बताया कि पहले ये मूवी 18 अगस्त को रिलीज होनी थी, मगर तकनीकी कारणों की वजह से इस मूवी को आगे बढ़ाया गया है और अब उनकी फिल्म 25 अगस्त के दिन रिलीज होगी। भले ही वो ड्रीम गर्ल 2 में नहीं है, लेकिन किस्मत ने उन्हें दर्शकों के साथ मिलवाने के लिए यह दिन चुना है जिस दिन ड्रीम गर्ल 2 रिलीज होगी। तो ड्रीम गर्ल 2 के साथ तो वो भिड़ेंगी आखिरकार अपनी फिल्म अकेली को लेकर। आखिरकार ड्रीम गर्ल 2 वर्सेस अकेली ये सिनेमा घरों में 25 अगस्त को देखने को मिलने वाला है। तो आप सभी कितने सुपर एक्साइटेड हैं ड्रीम गर्ल के लिए या फिर अकेली के लिए? यानी कि आप आयुष्मान खुराना की फिल्म के लिए एक्साइटेड हैं या फिर नुसरत भरूचा की फिल्म के लिए? अपने रिएक्शन जरूर बताएं।